वैसे आपको शादी कर लेनी चाहिए वरना। थैंक यू जी। कहीं आपने अपने वकालत के पेशे के साथ साथ कोई मैरिज ब्यूरो तो नहीं खोल रखा है? नो नो, मैं तो बस आपको मशवरा दे रही थी। आपके मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी साथ जा रही है ना, तो फिर वहां तुम्हारे जाने की तो कोई जरूरत नहीं। वैसे भी अमन को कौन देखेगा? जब चांद अपनी सालगिरह का केक काटेगा तो उसके साथ किसी का दिल भी कटेगा। शायद तुम्हारा। महिला तुम्हें होश आ गया? शुक्र है खुदा का, तुम ठीक तो हो ना? आप लोग देखिए, हमारा बिल्कुल ठीक है, उसे होश आ गया है। हमारा ऐसा क्या हुआ था जो तुम बेहोश हो गई थी? बोलो। कुछ भी तो नहीं, बस चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। अब कैसी हो तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। हुमायला, तुमने तो हम सबको परेशान कर दिया। मुझे तो अब तक समझ नहीं आ रहा कि तुम बेहोश कैसे हो गई। ये बात मैं अभी किसी को नहीं बता सकती। चांद, हम सब यहां मौजूद हैं, तुम सारी रात के जाग रहे हो, जाके कुछ आराम कर लो। खुशी, जाओ चांद को उसके कमरे में ले जाओ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप तकलीफ नहीं करें, मैं खुद चला जाऊंगा। अमेला, तुम भी फ्रेश हो जाओ, हम नाश्ता एक साथ करेंगे, ठीक है? ठीक। ज़ैनब भाभी से भी करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पार्टी के बारे में उसकी ज़ाती राय तो मुझे मालूम नहीं। आप मुझे इस घर में नहीं देखना चाहते, पर मैं यही हूँ, कम से कम उस वक्त तक, जब तक चांद अपनी बीवी को बीवी ना जानने लगे। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। अरे साहब जी, आप तो रहने ही दें, आप तो वो कर रहे हैं ना आजकल, अब वो क्या, वो जो मॉडलिंग शॉडलिंग करती हैं। डाइट? हाँ डाइट, आप ना खाएं अंडा, रहने दें। अभिजन क्या सोच रही है? चांद की हुमायला के साथ मोहब्बत देखकर ना तुम्हारे अब्बा जी याद आ गए। हाय हाय बीबी जी, ये तो आप बिल्कुल ही ठीक कह रही हैं। बुढ़ापे में ना सिर्फ यादें ही रह जाती। अम्मी जान, अब अब्बा जान को इतना याद मत किया कीजिए, क्योंकि मरने वालों की तल्ख यादें बहुत सताती हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कैसर साहब। हमारे जिया बग्गा में ना एक सियाने ने कहा था कि अगर मरने वालों को बहुत ज्यादा याद करे ना तो वो भूत बन के डराते हैं रातों को। लेकिन मैं किसी भूत से नहीं डरती। कैसर के अब्बा अगर भूत बनकर आ भी जाते हैं ना तो मैं उन्हें आंखें दिखाऊंगी तो भाग जाए। वैसे बीबी जी, ये सारी कहने की बातें,
मेरे जिया बग्गा में ना रोज एक भूत रात को छत पे घूमता था, सबने देखा था उसको। रंगी जी, तुम्हारे जिया बग्गा में क्या क्या है, एक लिस्ट बना के मुझे दे दो, क्योंकि तुम जिया बग्गा का नाम इस तरह लेती हो जैसे न्यूयॉर्क। लखा न्यूयॉर्क वार दूं मैं अपने जिया बग्गा पे। अंजली जी, गेट लॉस्ट। थैंक यू मामा। जाया मत करो बेटी, जानता हूं कि आंख छलक जाए तो आंसू गिरता है और दिल रोए तो खून टपकता है। मैं तुम्हारा बाप हुए हूं, तुम्हारी वीरान जिंदगी को देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। बाबा, मैं खुद को कभी भी उदास और वीरान नहीं रखना चाहती, मगर मैं क्या करूं, ये उदासी और वीरानी मेरी सहेलियां बन चुकी है। इनका जब दिल करता है मुझे बगैर बताए चली आती। इन सहेलियों से जान छुड़वाना चाहती हो तो अपने बाप की बात मान लो बेटा। अरमान से ना सही, किसी और लड़के से शादी की हामी भर लो बेटा। क्यों बाबा, जो लड़कियां शादी नहीं करती वो क्या मर जाती हैं? मरती तो नहीं है बेटा, लेकिन जिंदा लाश बन जाती है। पार्टी मीटिंग की है, क्या प्रोग्राम बना? अभी मैं पार्टी मेंबरान से मिलकर उनके ख्यालात जानने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत जल्द ग्रैंड मीटिंग का ऐलान करूँगी। तुम्हें एक मीटिंग जैनब भाभी से भी करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पार्टी के बारे में उसकी जाती राय तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ बतौर वाइस प्रेसिडेंट मैं उसे हजम नहीं हुई। मेरे नज़दीक पार्टी के सदर के लिए हमें कुछ ऐसा नाम तजवीज़ करना चाहिए जिसके सामने कैंडिडेट्स के अलावा तमाम पार्टी मेंबरांस भी जी जान से मुत्तफिक हों। आपकी बात बहुत कीमती है, मैं भी इन्हीं लाइंस पर सोच रही हूँ। मैं कैसर भाई को मशवरा दूंगी कि एक बार जैनब से मिलकर मामलात को तय करने की कोशिश करें। Thank you.
तुम्हारी बेहोशी अगर कोमे में बदल जाती तो तुम्हारी इस दुनिया से छुट्टी हो जाती। शुक्र करो कि तुम्हें होश आ गया, वरना तुम्हारा चांद भी तुम्हारे साथ ही डूब जाता। खुदा ना करे आपको मेरे बारे में जो कहना है बिला झिझक कहिए, लेकिन चांद के बारे में अपने मुंह से कोई बुरी बात मत निकालिएगा। ओ खुदाया, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। मुझे पूरा यकीन कि तुम चांद को ले उड़ोगे। आप इस तरह की हल्की बातें क्यों करती हैं? तुमने इस घर के सबसे कीमती तरीन मर्द से जुड़ने की कोशिश क्यों की? चांद को मैंने अपना समझा, ये महज एक इत्तफाक है। और तुमने इस इत्तफाक का इस्तेमाल खूब किया। आग लेने आई थी और इस घर की मालका बन बैठी। मैं खुशी के हक पे डाका नहीं डाल सकती, मैं खुद गर्ज नहीं हूं। ओ अच्छा, वाह 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 वाह, क्या बात है। खुशी का मर्द तुम्हारे चोचलों में उलझ कर रह गया, और वो बेचारी अल्लाह की मारी तुम दोनों का मुंह देखकर अपना सा मुंह लेकर रह जाती। शेम फॉर यू। आप मुझे इस घर में नहीं देखना चाहती, पर मैं यही हूं कम से कम उस वक्त तक जब तक चांद अपनी बीवी को बीवी ना जानने लगे। इस घर में मुसलसल घुसे रहने की तरकीब खूब निकाली है तुमने। फिर मैं तो तुम्हें थैंक्स कहने आई थी कि तुमने अपने होने वाले मियां को मेरी तलख और कड़वी बातों के बारे में नहीं बताया। चांद को ये नहीं बताया कि मैंने तुम्हें कौन सी गुड न्यूज सुनाई। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने उससे मेरा जिक्र क्यों नहीं किया? माफ कीजिएगा, लेकिन कोई कमजर्फ आला जर्फी की बात को जान नहीं सकता। और ज़ैनब के बीच में क्या बात हुई है? बोलो, ऐसी क्या बात है जो तुमने मुझे नहीं बताई? कौन सी बात? अनजान मत बनो हमायला, मैं तुम्हारी और ज़ैनब की सारी बातें सुन चुका हूं। बोलो हमायला, कौन सी खुशखबरी सुनाई थी ज़ैनब ने तुम्हें? क्या कहा था उसने तुमसे? हमायला मुझे बताओ, वरना मैं खुद जाके ज़ैनब से पूछ लूंगा। नहीं चांद, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती। मैं इस घर में अमन देखना चाहती हूँ। बात ना पड़े और मैं खामोश रहूं। इस घर को पुरसकून देखने के लिए तुम अपनी जान से गुजर जाओ, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे बताओ, तुम्हें मेरी जान की कसम है। अब वो भाभी ने कहा था कि वो तुम्हारी सालगिरह पर तुम्हें हमारी जुदाई का तोहफा देंगी। खुशी के खुशबाश दोस्त, पूछ सकती हूँ मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? ज़ैनब भाभी, हम सब लोग एक ही घर की छत के नीचे रहते हैं। अगर हमारे आपसी इख्तलाफात ज्यादा बढ़ गए ना, तो लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा। भाभी,
इख्तिलाफ राय तो घरेलू जमहूरियत का भी हुस्न होता है। अब इस घर में कोई भी डिक्टेटर बनकर अपने फैसले या ख्यालात हम पर सादर नहीं कर सकता। अपने जहन से गुस्से को निकाल दें भाभी, क्योंकि गुस्सा अक्सर आपकी अच्छी बातों पर हावी हो जाया करता है। अरमान साहब, आई डोंट नो, आप पर तो खुशी ने कोई जादू कर दिया। बात समझने की कोशिश कीजिए, खुशी इस घर की छोटी बहू है। यही तो इख्तलाफ है कि खुशी इस घर की छोटी बहू है, उसके बावजूद अब्बू जी मरहूम ने उसको मुझसे बड़ा ओहदा देकर ना इंसाफी की बुनियाद रखी है। प्लीज जाना भाभी, मामूजान के किए हुए फैसलों पर नुक्ताचीनी मत कीजिए। मुझे सबक ना सिखा कैसे? बुजुर्गों के किए हुए गलत फैसले की असलाह ना की जाए तो घरों में इंतजार का भूत नाचने लगता है। आप बड़ों के विजडम को चैलेंज कर रही हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन आपको अपनी इस्लाह करनी चाहिए, फिर आपको बड़ों का किया और कहा सब कुछ दुरुस्त दिखाई देने लगेगा। और मैं अपने ससुर के किए हुए गलत फैसले के खिलाफ एहतजाज करने का हक रखती हूँ। एहतजाज? ये एहतजाज नहीं, ये खुली बगावत है। आपकी ये बगावत पार्टी को टुकड़ों में तकसीम कर सकती है। अरमान साहब, अगर आप पार्टी की सलामती चाहते हैं ना, तो खुशी से कहिए कि वो खुद अपनी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा देकर घर बैठ जाए, वरना अंजाम की जिम्मेदार वो खुद होगी। ग्वालियर, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, और सरप्राइज भी ऐसा कि आप दोनों खुश हो जाएंगे। सुहा बेटा, अगर कोई अच्छी खबर है ना तो फौरन सुना दो। मैं उस मीटिंग में आपकी फेवर चाहती हूँ। अरे हम तो एक मुद्दत से आपकी फेवर में हैं। कैसी खुशी, सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स, कैसी खुशी लेके आया चांद। कैसी खुशी, सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स, कैसी खुशी लेके आया चांद। छह माह गुजर गए हैं, गमों ने इतने झटके दिए हैं कि खुशियां इस घर का रास्ता ही भूल गई। कहकहों से गूंजने वाली इस घर की दीवारें सिसकियों और आंसुओं से भीग चुकी हैं। मैं तो कहती हूं शहर के गरीब गुरबा को पेट भर कर खाना खिला दो, जी भर के दुआएं देंगे, हो सकता है हमारी मुसीबतें टल जाए। आप दोनों भी ना छोड़ें ये सब बातें, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, और सरप्राइज भी ऐसा कि आप दोनों खुश हो जाएंगे। सुहा बेटा, अगर कोई अच्छी खबर है ना तो फौरन सुना दो, परेशानियों की खबरें सुन सुन के तो कान पक चुके हैं। तो सुनिए, आज से ठीक 21 दिन के बाद आपके लाडले बेटे चांद की सालगिरह है। ओ खुदाया, मैं तो परेशानियों में अपने चांद की सालगिरह ही भूल गई थी। जमीला, इस बार तो सालगिरह सादगी से मनानी पड़ेगी। जी आपा, आप ठीक कह रही हैं। सुहा जी, बेटा आप अरमान और कैसर जैसे ही घर लौटें उन्हें मेरे पास भेज देना। जी अम्मी। We'll be right back.
प्लीज आप फिक्र मत कीजिए, आखिर मुजरिम पुलिस से बचकर कब तक भाग सकता है। और भगौड़ों के लिए शहर की हर सड़क पर पुलिस के खौफ की सलाखें गाड़ सकते हैं, जिससे पूरा शहर जेल बन सकता है। एसपी साहब, आप जब चाहें हाथी से ये मनवा सकते हैं कि वो चूहा। ये तो आपकी जरा नवाजी है, वरना हाथी कौन, चूहा कौन, और ये खाकसार कौन। जानती हैं, आज जब मेरी ड्यूटी खत्म हुई तो मैं सोच ही रहा था कि आपसे मिलने की कोई सूरत मिल जाए। आपको फोन किया और आपने यहाँ बुला लिया। मैं से काफी दिलचस्प आदमी हैं आप। हमारी दिलचस्पी आप ही की महदूद तक रहती है मोहतरमा। एसपी साहब, प्लीज एक बार तो नाम से बता दें। वेलकम मिसेस मुराद, वेलकम। जब से आपने सियासत की सीढ़ी पे कदम रखा है, आपका तो चलने का अंदाज ही बदल गया। वेल, मैं अपनी तारीफें सुनकर खुश होने की आदि नहीं। एक खबर मिली है। खबर यह है कि बहुत जल्द पाकिस्तान पार्टी की ग्रैंड मीटिंग होने वाली है। ये खबर कोई बहुत नई नहीं है। ये बताइए कि आप अब क्या चाहती हैं? मैं उस मीटिंग में आपकी फेवर चाहती हूँ। अरे हम तो एक मुद्दत से आपकी फेवर में हैं। अब वो वक्त सर पर आ गया, आपको अपनी बात का प्रैक्टिकल मुजाहरा करके दिखाना होगा। ठीक कहा आपने। आपकी फेवर करने के बाद मुझे क्या फायदा हो? अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सियासत में एक कारोबार है। कुछ लो और कुछ तो, ये हमारे बिजनेस का असूल है। अच्छा, तो आप मेरे सपोर्टर बन के काम करने का क्या मुआवजा लेना चाहते हैं? देखिए, इस दुनिया में दौलत दो तरह की होती है, एक कैश और दूसरी हुस्न की। ठीक है, तो फिर आप भी मुझे ये मोहतरमा वकील साहिबा कहना छोड़ दीजिए, शगुफ्ता कहिए। वाकई शगुफ्ता जी, आपने हमारे दिल को शगुफ्ता कर दिया। वैसे मैंने सुना था कि आप बहुत ही नकचड़े और सख्त दिल हैं, लेकिन आप तो अनफॉर्चुनेटली आपने सही सुना, वर्दी पहनता हूं तो पता नहीं क्यों नाक खुद ब खुद चढ़ जाता है। लेकिन जब आपसे मिलता हूं ना, तो दिल की सारी सख्तियां नरमी में बदल जाती हैं। बताइए कि आप कौन सी दौलत खर्च करना चाहती हैं? सदर की कुर्सी पे बैठने के लिए आप दौलत की कुर्बानी देंगी या अपने हुस्न का सदका अदा करेंगी? ये सोचना तो आपका काम। नहीं, सियासत में गुस्सा नहीं चाहिए। बात तो सूटेबिलिटी की है, कोई जल्दी नहीं। फैसला सोच समझ के कीजिए। तुम्हारे जुमले के पीछे छुपी हुई तुम्हारी लस्ट को मैं देख चुकी हूं असलम शेख। तुम रिश्तों का एहतराम भी भूल चुके हो। यू आर डेविल। ये आप कह रही हैं मिसेस मुराद? खुद रिश्तों को पामाल करके अपने टारगेट का चेहरा देखना चाहिए। याद रखो, रिश्ता और ताल्लुक जिंदगी की शतरंज के वो मोरे होते हैं जिन्हें हम आगे पीछे करके अपने अपने मफाद की जंग लड़ते हैं। आप भी तो उस कुर्सी आशना हो। मेरे और अपने ताल्लुक को
मेरी सियासत तक महदूद रखो मिस्टर असलम शेख। बाय द वे, ताल्लुक बढ़ाने में आखिर हर्ज क्या है? हर ताल्लुक की एक हद होती है। अरे कामयाब लोगों की दलील ही यही है कि वो हद से गुजर के भी अपनी हदों में वापस आ जाते हैं और किसी को गुमान भी नहीं होता। Shut up! मिर्जा गालिब ने भी क्या खूब कहा है कि गालियां खा के भी बेमजा नहीं। बहुत ही चीप और घटिया इंसान होता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अपने अंदर की सियासत दान को भी तुम दरियाफ्त कर चुकी हो, लेकिन अपने अंदर की औरत को भी तलाश करो जिसे मुराद नहीं तलाश कर सके, और अगर मिल जाए तो मुझसे जरूर रابطہ करना, क्योंकि ये रابطہ तुम्हें जिंदगी और सियासत के पुरसकून तख्त पे एक साथ बिठा सकता है। देखिए टाइम चांद, तुम यहां? चांद, चांद strong with you. What do you want? Stop, please. मैं तुम्हारे बड़े भाई की बीवी हूं, मैं भाभी हूं तुम्हारी जान, प्लीज। भाभी हो इसीलिए अभी तक जिंदा हो। क्या कहा था कि सालगिरह के दिन तुम मुझे उसे दूर कर दोगी? यही कहा था ना? अगर वो महिला को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारा गला दबा देता। और मेरी एक बात गौर से सुन लो, अगर आइंदा तुमने हमाला से कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम लिखने बैठ गई हो। कभी कुछ कहना, कभी खामोश रहना जैसे जरूरी है, वैसे ही मेरे लिए लिखना जरूरी हो गया था।
कुछ आराम कर लेते, अभी इतने की क्या जरूरत थी। पहले कहानियां लिखती थी, अब एक हकीकत लिख रही हूं। इस बार मेरी कहानी का हीरो एक मोतबर खानदान से ताल्लुक रखता है, एक खूबसूरत बीवी का शौहर और एक बच्चे का बाप है। बहुत से रिश्तों की डोर में बंधा हुआ अचानक एक हादसे में अपनी याददाश्त खो बैठता है और एक पागल सी लड़की अनजाने में उससे मोहब्बत कर बैठती है और वो गुर्बत को मोहब्बत समझ बैठता है। समझ नहीं बैठता, मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। इस बार तुमने अपनी ही कहानी लिख डाली। हाँ, कभी कभी कहानियां लिखने वाले खुद कहानी बन जाते हैं। तुम्हारी कहानी का अंजाम वही होगा जो तुम चाहती हो। चांद, ये मोहब्बत भी अक्सर इम्तिहान बन जाती है। जरा सोचो, तुम्हारी याददाश्त लौट आई तो फिर क्या होगा। कल को क्यों सोच रहे हो मायरा, आज को देखो। हम लोग अक्सर कल का सोचते सोचते आज को भूल जाते हैं। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ चांद। तुम्हें ना खुश करने वाली अपनी भाभी से अभी निमट कर आ रहा हूँ। आइंदा वो तुम्हें कोई भी उल्टी सीधी बात करने की जरूरत नहीं करेगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया चांद, इस तरह तो मुझसे उनकी नफरत और ज्यादा बढ़ जाएगी। उनकी नफरत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये मेरा वादा है। शाबाश पिता, उनके बाद उनके भाई की वाहिद निशानी तुम हो। कैसी खुशी, सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स, कैसी खुशी लेके आया चांद। कैसी खुशी, सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स, कैसी खुशी लेके आया चांद। ये चांद यहाँ क्यों आया था? क्या मतलब क्यों आया था? मैं भाभी उसकी आया आके मिलके चला गया। जैनब, झूठ मत बोलो। अभी जब चांद मेरे पास से गुजरा था तो वो काफी गुस्से में था। वो मूडी सा लड़का है, हो सकता है उसको किसी बात पर गुस्सा आ गया है। तुम जो भी कहो, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो हुआ होगा, वरना चांद इतना आग बगोला होकर हमारे कमरे से ना जाता। कुछ गलत नहीं हुआ, तुम जाओ चक्कर चेंज करो, थोड़ी देर टीवी देखो और फिर सो जाओ। इसके अलावा और करते भी क्या हो तुम, जाओ। मरहूम नवाब साहब को अक्सर तुमसे शिकायत रहती थी, लेकिन हमेशा वो तुम्हें अपने भाई का खून समझकर माफ कर दिया करते थे। तुम्हें याद है ना, एक रात भी उन्होंने तुम्हें हवालात में नहीं रहने दिया। मैं भी चचा जान को बहुत मिस करता हूं। उनकी याद आई तो सोचा कि चची जान को सलाम पेश कराऊं।
चचे जान की रूह खुश हो जाएगी। शाबाश बेटा, उनके बाद उनके भाई की वाहिद निशानी तुम हो। ये फूफा भी तुम्हें देखने के लिए तरस जाती। अरे सुहा, तुम क्यों खामोश बैठी हो? तुम भी तो कुछ बोलो। भाईजान, आप बड़ों के सामने फोटो का बोलना कुछ गैर मुनासिब लगता है। वैसे चची जान बहुत बाअदब बच्ची है, हाय लेकिन इसके नसीब। चचा जान का अगर इंतकाल ना होता तो ये अपने घर जा चुकी होती। मैं तो कहता हूं कि आप फौरन इसे अपने घर भिजवाने का इंतजाम कीजिए। मैयत कब्र में और बेटी घर में ही अच्छी लगती है। तुम ठीक कह रहे हो असलम मियां। इस बार चांद के सालगिरह के मौके पर मैं आमिर भाई से इसकी रुखसती का जिक्र जरूर करूंगी। अरे वाह, चांद की सालगिरह हो रही है और बड़े भाई को खबर तक नहीं, ये खूब रही। असलम भाई, अभी सालगिरह में काफी दिन बाकी हैं, मैं खुद आऊंगी आपको इनवाइट करने। वो तुम्हारी बीवी और बच्चे के साथ खेल खिलवाड़ करके अपने दोस्त होने का हक निभा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने उन्हें बाहर देखा है, बहुत प्यारे लग रहे थे तुम। नो नो वे, मेरी कोई विरासत नहीं है। मत भूलिए, सियासत आपकी मिरास है। आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक इत्तेफाक को गलत रंग देकर सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इस्तेमाल तो इसे मीडिया करेगा, मैं तो इसे अपने पास बतौर रिकॉर्ड रखूंगा इस नायाब तस्वीर को।